नमस्कार पोल्ट्री फार्मर भाइयों। देखिए, अगर आप गर्मी के मौसम में कोई भी मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे डबल एफ जी, ट्रिपल एफ जी, आपका ब्रायलर मुर्गी या देसी मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में आपका जो है हीट स्ट्रोक के कारण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोर्टलिटी दर देखने को मिलता है। और हीट स्ट्रोक का कारण कब आता है? जब आपके मौसम में काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, आपके जो हवाएँ हैं वो गर्म हो जाती है, आपके फार्म का टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाता है, तो उस समय मुर्गियों में हीट स्ट्रोक आने का कारण बन जाता है। और एक बात आपको बता दें कि जो मुर्गियां होती हैं, मुर्गियां आपका 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान सह नहीं सकती हैं, तो उस वजह से आपका जो है मुर्गियों में टेम्परेचर हाई होने की वजह से मोर्टलिटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है गर्मी के मौसम में। और गर्मी के मौसम में जो मुर्गियाँ होती हैं उनको पसीना भी नहीं होता है, क्योंकि जो इंसान होते हैं, अगर हम इंसान से कंपेयर करें तो जो इंसान होता है उनके अंदर पसीना होता है और वह पसीना बाहर निकलता है, वाष्पीकृत होता है और बॉडी को ठंडा करता है, लेकिन जो मुर्गियां होती हैं उनमें पसीना होता ही नहीं है। इस वजह से जो मुर्गियाँ हैं आपका उनमें हीट स्ट्रोक भी देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोर्टलिटी देखने को मिलने लगता है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप गर्मी के मौसम में मुर्गा पाल के रखे हैं और आपका मुर्गा अच्छा खासा साइज तैयार हो गया है, तो आप उस मुर्गे को बेच दें मार्केट में, अन्यथा आपका नुकसान होने का कारण बना रहता है, क्योंकि जितना बड़ा मुर्गा होता है उनके अंदर उतना ही अधिक गर्मी उत्पन्न होने लगता है। देखे होंगे कि अगर आपके फार्म में जो मुर्गा होता है, क्योंकि मुर्गा जो है ग्रोथ उसका सबसे पहले आता है, जो मुर्गियां होती हैं उनका 2-3 दिन लेट ग्रोथ होता है। मान लीजिए अगर आपकी मुर्गी जो है 700 ग्राम 600 ग्राम 800 ग्राम की है, तो मुर्गा जो रहेगा आपका 800 ग्राम से 1 केजी के बीच में रहता है, तो मुर्गा जो है बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है और जो मुर्गियां हैं वो लेट में ग्रोथ करती हैं। और गर्मी के मौसम में आप देखेंगे जो मोर्टलिटी रेशियो सबसे ज़्यादा होता है वो मुर्गों का होता है, क्योंकि मुर्गा जल्दी ग्रोथ करता है और उसके अंदर उतना ही गर्मी उत्पन्न होने लगती है, तो जो मुर्गों में मृत्यु दर होती है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है मुर्गियों की अपेक्षा। तो अगर आपने मुर्गा तैयार करके रखा है तो आप उसको सबसे पहले मार्केट में बेचने की कोशिश करें, फिर उसके अगर बाद आपका मुर्गा किसी तरह फंस गया तो उस समय क्या होता है, अगर आप हीट स्ट्रोक में कोई दवा भी दे रहे हैं, अगर आपके फार्म में आ गया है मुर्गों के अंदर, तो हीट स्ट्रोक में कोई दवा नहीं काम करता है। सबसे बात ये ध्यान रखिएगा, पहले अगर आपके मुर्गों के अंदर हीट स्ट्रोक जनरेट हो गया है तो उसमें मोर्टलिटी होना तय है, वो मुर्गा आपका संभलने वाला नहीं है। और जो बाकी मुर्गे हैं अगर उनमें थोड़ा बहुत ही अंतर है तो वो सर्वाइव कर जाएगा, और अगर उनका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तब, तो आपको अपने फार्म का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, ना कि ऊपर नहीं रखना है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप मुर्गा फंस गया है, अगर आपका मुर्गा रुक गया है, अगर आपके पास कोई भी दवा दर्पण, जैसे कि गर्मी के मौसम में इलेक्ट्राल चलाया जाता है कि ताकि जो मुर्गा है उसका जो है बॉडी ठंडा रहे, उनका जो टेम्परेचर है ज़्यादा न बढ़े, तो उस स्थिति में अगर आपके पास इलेक्ट्राल पाउडर नहीं है तो मैं आपको एक देसी दवा बताने जा रहा हूँ जिसको आप बनाकर खुद से अपने मुर्गों को चला सकते हैं। तो इस दवा को बनाने के लिए आपको करना क्या है, अगर आपके पास 1000 मुर्गा तैयार है और उस मुर्गे का जो वजन है 1 केजी से ले के आपका 1300 ग्राम के बीच में है, तो उस समय आपको 1.5 केजी गुड़ ले लेना है और 700 ग्राम सूखा आंवला लेना है, और उस सूखे आंवले को आपको 4 से 5 घंटे के पानी में भिगो लेना है, और उस पानी को आपको जो गुड़ है उस गुड़ के पानी में घोल लेना है, और उस पानी को आपको दोपहर के मौसम में अपने बर्ड को 4 से 5 घंटे के पानी में देना है, ताकि जो पानी है वह 4 से 5 घंटे में पी जाए। अगर आपके बर्ड में ज़्यादा हीट देखने को मिल रहा है तो उस टाइम आप इस पानी में पैरासीटामोल टेबलेट का भी यूज कर सकते हैं, और जो टेबलेट रहेगा 40 किलो वजन पे एक टेबलेट को यूज करना है। साथ में ही अगर आपके पास आंवला उपलब्ध नहीं रह पा रहा है
तो उस समय जो है आप नींबू भी ले सकते हैं। और नींबू लेना है उस समय आपको नींबू, नमक और जो है गुड़ लेना है, और इन तीनों को घोलकर अपने बर्ड को दे देना है। ये जो मैंने दोनों दवा बताया है, ये दवा टोटल आपका जो इलेक्ट्रॉल पाउडर है उसी का काम करेगा। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपके बर्ड का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री के ऊपर चला गया है तो उस समय आपके बर्ड में कोई दवा काम नहीं करेगा। उस समय आपके फार्म में बर्ड के अंदर मोर्टलिटी होना तय है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सुधार हो सकता है जो बर्ड का टेम्परेचर 40 डिग्री के नीचे है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो गुड़ होता है, गुड़ आपका जो है टोटल ग्लूकोज का काम करता है, और जो नींबू होता है, आंवला होता है विटामिन सी का काम करता है।